रॉली मल्हार जी, मेरी आई इस वक्त जेल में है और आप मुझे जल्दबाजी ना करने के लिए एडवाइस दे रहे हैं। कल्याणी समझने की कोशिश करो प्लीज, कहीं ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में हम कोई गलत कदम उठा लें और माई को निकालने में और प्रॉब्लम हो। अगर आई जेल में रहेगी ना ज्यादा बात तो वो प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। अरे तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो कल्याणी, ये सब तमाशा ना बिल्कुल गलत समय पर हो गया है। तुमने देखा नहीं पुलिस को देखकर इंदु जी कितना डर गई थी, हमें तो डर लग रहा है कि कहीं ये सगाई तोड़ ना दे। उस हादसे के बाद अजिंक्य ने मेरा फोन भी नहीं उठाया। उसे भाई जेल में है और हम सब जानते हैं कि किसी ने जानबूझकर उन्हें फंसाया है, ये जानते हुए हम सब हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे क्या? देखो कल्याणी, बहुत मुश्किल से गोदावरी का रिश्ता तय हुआ है और हम नहीं चाहते कि इसमें अब और बाधा आ जाए। आसिफ लेकिन ताई प्लीज मेरी शादी तक रुक जाओ प्लीज। आप सब सही कह रही है कल्याणी, खुदा की शादी तक रुक जाओ। ऐसे कैसे मैं तुम्हें यहाँ रहने दे सकती हूँ, तुम मेरी चिंता मत करो, और मल्हार है ना वो संभाल लेगा सब। शांति हुआ है कि मल्हार जी सब संभाल लेंगे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ ना करूँ। देखो तुम फिक्र मत करो, कुछ गलत नहीं होगा ठीक है। पवार काका वो बॉडी की पहचान हुई? पहचान हो गई मैम, वो कोई मच्छी बेचने वाली औरत थी। मच्छी बेचने वाली? हाँ? मच्छी बेचने वाली, मच्छी बेचने वाले के पास इतना पैसा कहाँ से आया? वही तो। ये उस केस की फाइल है ना? जी। दिखाइए मुझे। कल्याणी देखो कल्याणी, तुम इसमें मत पड़ना। नहीं आई, मैं सिर्फ फाइल चेक कर रही हूँ, कुछ नहीं कर रही। पवार का ये नंबर देखे, M21। हाँ लेकिन ये किस चीज का नंबर हो सकता है? M21 ये नंबर उस मच्छी बेचने वाली की जो टोकरी है ना उस पे लिखा था, इसका मतलब M21 वो जगह का नंबर है जहाँ पे ये बैठ के अपनी मच्छी बेचती थी। राइट, आपने बिल्कुल सही गेस किया मैं। और इतना बड़ा मछली मार्केट तो हमारी एरिया में एक ही जगह है जहाँ पे इतनी सारी मच्छी बेची जाती है। कल्याणी देखो मेरी बात सुनो, तुम ऐसी वैसी कोई भी हरकत नहीं करोगी? नहीं आई, मैं ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस। आओ कल्याणी, कहाँ चले गई? पूरा घर ढूंढ लिया। फोन ही नहीं उठा रही है। कल्याणी कहाँ हो तुम? मार्केट आई हूँ शॉपिंग करने। कल्याणी झूठ मत बोलो, सच से बताओ कहाँ हो तुम? झूठ कैसी बात कर रहे मल्हार जी, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? देखिए मैं वाकई मार्केट आई हूँ शॉपिंग करने। इतनी सुबह सुबह कोई शॉपिंग करता है क्या मार्केट में? सुबह सुबह भीड़ कम रहती है ना तो फटाफट शॉपिंग हो जाएगी। अच्छा चलिए, अभी मुझे बहुत सारी शॉपिंग करने में बात नहीं कर सकती, मैं बिजी हूँ, बाय। कल्याणी तो तेरे को नहीं देखी अपुन में, बता क्यों नहीं रही, कौन है तू? Hey! Hey!
बाय को किधर है? किधर है मेरी बाय को? किधर है बताओ? अरे मेरे बाय को देखा किसी ने? ये बेवड़िया, ये बेवड़िया, बेवड़िया उठ उठ, इधर 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 खड़ी है इधर। ए तू हिलता कितने? ए हिल मत, हिल मत। हिलती कितना है तू? हिल मत। ए फिर ली। ए हेडर मैं नहीं, तू हिल रहा है। तेरे को मारने का है ना इसको? मार, मैं तंग आ गया इसको, मार इसको, मार। ए मेलिया मारने नहीं है मेरे इसको। अरे इधर पहले देखा नहीं कभी, इसीलिए। अजय एक काम कर, पहले मेरे को अपनी बाइकों से बात करने दे, फिर इसके बाद इसको मार देना, है ना? ए, आजा, चल, ए। यार पाँव में पहिया लगा है तेरे, जब देखो भाग जाती है अपने पति को छोड़ के। शादी काय को मनाया तू मेरे साथ? ए बेवड़िया, तू तो बेवड़िया पूरा दिन बेवड़ा होके पड़ा रहता है कहीं पे। मेरे को तो पैसा कमाने का होता है ना, तेरे को तेरे पौवे की बॉटल के अलावा कुछ दिखता है कि नहीं? पति है मैं तेरा, कुछ भी करे। अरे पर सीधा खड़ा रहे, घर तो मेरे को चलाना होता है ना, पैसा तो मेरे को कमाना होता है ना, तू कुछ करता है? ए बेवड़ा एक बात मेरी सुन ले, दोबारा कभी ऐसे नशे में धुत हुआ या काम नहीं किया ना तो मैं मायके चली जाएगी। मैं अरे बात बात पर मायके चली जाएगी, शादी काहे को मनाया तूने मेरे साथ? मेरी बात सुन, मेरा जीना हराम कर। अरे मेरा मायके जा रही है। मेरी मन्ना जी मेरी बात सुनिए। मन्ना जी मेरे पीछे जो औरत है ना उधर देखिए, पैसे उसके पास। ए बेवड़िया, ए दूर मुझसे, तुझे नाना जी इधर सुन, ए मेरी बात सुन। सुना अगर दोबारा कभी पी कहे घर आया और ये सब तमाशा किया ना तो मैं तेरे को मार देगी। बाबा इतना पैसा कैसे आया? कैसे आया इतना पैसा? ए मेलिया क्या है तेरे को? तू अपने बाइकों को ढूंढने आया था ना, मिल गई ना वो तेरे को? चल अब उसे ले और निकल। चल पहले मेरे को बता इतना पैसा कैसे आया, बता बता। हाथ छोड़ उसका, नहीं तो काट दूंगा, समझा ना? नीचे नीचे देख, नीचे नीचे। क्या पूछा मैंने? कहां से आया पैसा? जब तक तुम लोग मुझे बताओगे नहीं ये पैसा कहां से आया, मैं जाने वाला नहीं हूं यहां से। चल बता। अरे तुम्हें क्यों बताएंगे यार, तुम्हारे जैसे कई पुलिस वाले थे यहाँ पे। चलो निकलो। तो नहीं बताएगा? हाँ बता। नहीं सब बता, बता कहाँ से आया इतना पैसा? सब बता दो, सब बता दो। ये सारा पैसा है ना नदी के जरिए मछली के कंटेनर्स में आता है, और हम वो सारा पैसा पहुंचाने का काम करते हैं साहब। हम इसलिए ना कोली के बेस में आ गए यहाँ पे। काला धंधा तुम करते हो और बदनाम कोली लोग को करते हो? हाँ पवार जी सर, सारे कंटेनर सीज कर लेके जाए इनको, अरेस्ट कर सबको। संदे ले जा, जल्दी बता ये औरत कौन है। जल्दी सच सच बता। ये असली कोली है, ये हमारी टोकरियां लेके जाती थी, इसका खून हो गया, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। उधर देख, उधर भी होगा कुछ। मल्हार जी, मल्हार जी सुनिए तो, मल्हार जी। अरे गुनगुन बेटा, वो शगुन की चूड़ियां है ना, बच्चे उन्हें हाथ नहीं लगाते। चलो तुम वहां पीछे जाकर बैठो। हाँ चूड़ी चढ़ाने की रस्म शुरू करनी है, आपके घर की औरतें कहाँ हैं? और शुरुआत तो एक सुहागन को ही करनी है। हम कल्याणी को ही फोन कर रहे थे, बस वो आती ही होगी।
ये देखो मैं किसे लेकर आई। मीना कुमारी आई। आई आई आई। आई आपको पुलिस ने छोड़ दिया। पुलिस? पुलिस? बच्चों जाओ बाहर जाकर खेलो, ये बड़ों का फंक्शन है, जाओ। आओ सर, मैंने कहा था ना आपसे मैं आई को बेल दिलवा कर रहूंगी। कल्याणी चलो ना रस्म शुरू करते हैं, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कैसी बात कर रहे हैं आप साहब, आई मुझसे बड़ी है, रस्म की शुरुआत तो आई ही करेगी ना। अरे हाँ, लेकिन इसे अंदर जाकर तैयार होने दो। तुम एक काम करो, तुम चलो और रस्म शुरू करो। हाँ नहीं, एक काम करते, आई सुनो ना, तुम रस्म करने के बाद फ्रेश होने चले जाना, ठीक है? चलो आ जाओ। कल्याणी आ जाओ। कल्याणी सॉरी, लेकिन अनुप्रिया जी को ये रस्म मैं नहीं करने दूंगी। क्यों? कल्याणी मैं तुम्हारी फैमिली की पूरी इज्जत करती हूँ, लेकिन शादी में कुछ भी करने की इजाजत नहीं दूंगी। मेरे बेटे की शादी है और उसकी पहली रस्म में मैं किसी ऐसी औरत का हाथ होने नहीं दे सकती हूँ जो जेल रह के आई है। जेल होकर आई हो ना, थोड़ी शर्म करनी चाहिए। ऐसे ही मुंह उठा के शादी के फंक्शन में आ गई है, ये हमसे दूर रहे वही अच्छा है। हाँ देखिए, देखो कल्याणी, अभी कुछ मत कहो। ये बेटे की माँ है, ये जैसा चाहेंगे ना वैसा ही होगा। इंदु जी, अगर कल्याणी नहीं चाहती है तो आप ही रस्म शुरू कर दीजिए। एक मिनट आओ सर। इंदु जी, मुझे नहीं लगता कि आपको भी मेरी बहन की शादी की कोई भी रस्म करनी चाहिए। कल्याणी सही तो कह रही हूँ आप सर, गलत क्या कह रही? इनके हिसाब से क्योंकि मेरी आई जेल रह कर आई है इसलिए उन्हें ये रस्म करने का हक नहीं। तो वैसे देखा जाए तो 3-4 केसेस तो आप पे भी फाइल्ड है, तो आपको भी शादी की कोई रस्म करने का कोई हक नहीं। बकवास बंद करो कल्याणी, वो सब नकली केसेस थे। एग्जैक्टली, जिस तरह आप पे लगाए हुए सारे केसेस झूठे हैं ना, उसी तरह मेरी आई पे भी एक झूठा केस लगाया गया है। लेकिन लेकिन क्या इंदु जी, हर वक्त औरत ही शर्म करे, उसकी गलती हो या ना हो उस पर ही उंगली उठाई जाती है, उसका ही बहिष्कार होता है। क्यों, कब तक ऐसे दकियानुसी सोच के शिकार बनते रहेंगे हम? पता है इंसान की ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही, खुद की गलती के लिए ना हम जज बन जाते हैं, लेकिन दूसरों की गलतियों के लिए वकील। आप ही बताइए ना, अगर एक औरत ही दूसरी औरत का साथ नहीं देगी तो हम दूसरों से क्या एक्सपेक्ट करेंगे? हिंदु जी, जब तक हम खुद अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी नहीं लेंगे ना, तब तक समाज में कोई सुधार नहीं होगा। अनुप्रिया जी, आज मैं फिर से आपसे माफी मांगती हूँ, आज फिर से आपने मेरी सोच बदल दी, मुझे एक नया नजरिया दिखाया है और गोदावरी की पहली रस्म आप ही करेंगी। गोदावरी, उखाणा ऐसे नहीं लेते हैं, उखाणा लेने का भी अपना तरीका होता है। आओ साहब, मैं कब से तो ट्राई कर रही हूँ लेकिन मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। अच्छा अनुप्रिया, तुम उखाणा लो और सिखाओ इसे। अरे हाँ हाँ, आई तुम ही सिखाओ गोदा को। हाँ अनुप्रिया, एक उखाणा बोल भी दो। अच्छा ठीक है, सुना
बड़े नसीब वाले हैं वो लोग जिन्हें माँ बाप का प्यार मिलता है। सार्थक जी, आप जैसे पति हो तो जीवन का सफर भी सफल होता है। वाह, सीखो। अब समझ में आया? आओ साहब, मुझे अभी भी मुश्किल लग रहा है। अरे अब क्या मुश्किल लग रहा है? खुदा। कल्याणी, तुम उखाड़ा लो और बता दो कि इसमें कोई मुश्किल नहीं है। मल्हार जी, क्या मैं उखाना ले लूं? इतना क्या सोच रहे हो मल्हार? कल्याणी को उखाना बोलने दो। हाँ कल्याणी, जरूर लो ना। वैसे भी तुम्हें मेरी परमिशन क्या जरूरत है, तुम तो अपनी मर्जी चलाती हो। लो। नहीं चाहिए मुझे बंगला या कार, नहीं चाहिए बंगला या कार, मुझे बस चाहिए मेरे मल्हार जी का प्यार। वाह। मल्हार जी, मल्हार जी देखिए मेरी बात सुनिए। मल्हार जी सुनिए ना, देखिए प्लीज मत करिए ऐसा। मल्हार जी सुन तो लीजिए। मल्हार जी क्या क्या सुनूं मैं? जब बात बतानी होती है तो एक शब्द नहीं बोलती हो, तो अब समझाने का क्या फायदा है? I'm sorry मल्हार जी, I'm sorry कि मैं आपको बिना बताए कोलीवाड़ा चली गई, इतना बड़ा कदम उठा लिया, मेरी गलती है। कल्याणी देखो, मुझे तुम पे गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है, और तुम बार बार अपनी जान से खतरे में नहीं डाल सकती। भूल जाती हो कि तुम्हारा परिवार है। अपने बारे में ना सोचिए, कम से कम परिवार के बारे में सोच लिया करो प्लीज। मल्हार जी, आप मेरा परिवार है, उसी तरह आई भी मेरा परिवार है, और अगर मेरे परिवार का कोई भी इंसान तकलीफ में होगा तो मैं शांत तो नहीं बैठ सकती। कल्याणी, मैंने मना किया है कभी तुम्हें कुछ? मैंने मना किया है कभी माई की मदद करने के लिए? कम से कम उससे डिस्कस तो करो कल्याणी। मैंने तुम्हें ऐसे बार बार रिस्क उठाने नहीं दूंगा, और आई थिंक मुझे पता है कि तुम्हें रुकना कैसे। कैसे? मोक्ष के लिए एक छोटी बहन लाकर। मल्हार जी, बोलो। अच्छा, मंजूर है? आप भी ना। मंजूर है कि नहीं बोलो ना। कल कल कल्याणी, अनुप्रिया, अरे कोई है क्या? अरे अनुप्रिया, अरे मल्हार, अरे आओ ना सब लोग, देखो क्या हो गया। क्या हुआ? अरे देखो ना क्या हो गया, घर में चोरी हो गई। देखो चोरी? आसिफ आप संभालिए खुद को। तो चाहिए क्या हुआ बताइए। गोदावरी के शादी के गहने सब चोरी हो गए। क्या? चोरी हो गए? ऐसे कैसे चोरी हो गई? कोई दरवाजा खिड़की कुछ टूट गया है? कुछ खुला था क्या? एक बार चेक कर लेते हैं। परमेश्वर, औसत सब ठीक हो जाएगा, आप शांत हो जाइए। औसत शांत हो जाइए। अब क्या करेंगे? कुछ ना कुछ हो जाएगा, आप शांत हो जाइए। मैं पानी लेकर आता हूं। शांत हो जाइए। हाँ, सब ठीक हो जाएगा, पानी पीजिए। खिड़की दरवाजे ठीक है? मल्हार जी ये चोरी, कल्याणी जिसने भी चोरी की है वो घर को अच्छे से जानता है, किसी जानने वाले का ही हाथ है। इतने यकीन से ये बात कैसे कह सकते हो? क्योंकि दरवाजे पे, खिड़की पे ना कोई स्क्रैच है ना टूटने का निशान है। मुझे लगता है कि उसके पास या तो स्पेयर की है या उसने डुप्लीकेट बनवाया। वो चुपके से दरवाजा खोल के आया है। तो अब क्या करना है? मैं पवार को फोन करता हूँ, तहकीकात करवाता हूँ। नहीं मल्हार। हाँ सर, अब मना क्यों कर रही है? देखिए अगर तहकीकात होगी तो हम चोर को पकड़ पाएंगे, फिर सारे गहने भी वापस मिल जाएंगे। नहीं नहीं, घर की बात घर में ही रहनी चाहिए। हाँ साहब, मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, यहाँ पे केस हो गया है और उसकी रिपोर्ट भी ना कराऊं मैं। माना कि तुम पुलिस ऑफिसर हो, लेकिन उससे पहले तुम
गोदावरी के जीजा हो। अगर बाहर सबको पता चल गया तो ऐसा लगेगा कि हम गोदावरी को कहने देना ही नहीं चाहते थे, हम बहाना बना रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होगा उसे, चोरी की बात घर से बाहर नहीं जाएगी, ये हमारा वादा है आपसे। हाँ। चोरी की बात फिर भी छुप जाएगी, लेकिन इतने कम समय में हम इतने सारे गहने कैसे बनवाएंगे?